देखिए, प्रधानमंत्री चाय वाले बने, ये हमारे देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मगर मेरा कंपैरिजन उनके साथ करना, मैं नहीं समझता हूँ। वो इतने इंटरनेशनल विभूति हैं कि हम तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हैं। मगर पार्टी ने मुझे शिमला शहर से अपना प्रत्याशी बनाया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं अपनी पार्टी का, शिमला शहर की जनता का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने, शिमला शहर की जनता ने मुझे प्यार दिया। उस प्यार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे शिमला शहर से प्रत्याशी बनाया। मैं किसी भी तरह से इन चीज़ों का कर्ज ना शिमला शहर की जनता का और ना अपनी पार्टी का उतारता हूँ। जाएंगे जनता के बीच? देखिए भाई साहब, मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो आते रहते हैं, टाइम टाइम पे आते रहेंगे। मगर प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि मैं शिमला शहर का शहरी हूँ और मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से शिमला शहर में ट्रैफिक की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, लोगों को पानी थोड़ा समय पे नहीं मिल रहा, या शिमला शहर जिस चीज़ के लिए मशहूर था पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, के एक सुंदर शहर था, टूरिस्ट प्लेस था, मैं चाहूँगा सफाई व्यवस्था, पानी और ट्रैफिक व्यवस्था पर और पार्किंग पर शिमला शहर में प्राथमिकता रहेगी मेरी कि मैं इस पर काम करूँ। बाकी डेवलपमेंट के काम जो है वो साथ चलेंगे। देखिए भाई साहब, ये तो तय है कि चुनाव जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ होगा। अब जब हम रण क्षेत्र में जाते हैं तो सामने कौन है उसको हम नहीं देखते हैं, एक ही लक्ष्य रहता है, जीतना है, और हम जीतेंगे। प्रत्याशी दूसरी पार्टी का कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के बल पर जो है जीत कर आएगी।